name is Sunny Chauhan, and I welcome you to my channel Explore with Sunny. दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हो तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ लातविया में, मैंने अप्लाई किया था रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ डायरेक्टली किसी भी, आप पहले तो कंपेयर कीजिए जिस भी आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, आप वहाँ का जो करिकुलर है वो कंपेयर कीजिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, इसके इसके रीजन बहुत सारे थे. जैसे कि यहाँ का कोर्स कंटेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और भी काफी सारे रीजन थे. यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का वेदर मेरे को सूटेबल था, जो कि एक्साइटेड था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ का चूज किया. दोस्तों अगर आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ स्टडी ना देखिए, उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाता है टेम्परेचर सर्दियों में, तो आप अकॉर्डिंगली देखिए. और आपको किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ मैंने किस तरह से ये चूज किया था, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैसे मैंने अप्लाई किया था, ऐसे मैं बताता हूँ आपको. सिंपली क्या करना है, सर्च करना है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को. जैसे मेरी है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो देखिए ये रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुल गई है. ये आपको लिंक मिलेगा, सबसे पहला ही लिंक आपको क्लिक कर देना है. आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का क्या है, rtu.lv. अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंटेंट बहुत ही अच्छा है, स्टडी भी बहुत अच्छी है. ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टडीज के लिए आप देख सकते हो, बैचलर्स के लिए अप्लाई करो, मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करो. मैंने जैसे मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है. आप यहाँ पे जाइए मास्टर्स के लिए. आप मतलब किसी पे भी जा सकते हो, बैचलर पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर पे सीधा जाओ. मैं सिर्फ आपको सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको आप इसमें देखिए आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है. जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का, तो मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया. या आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, ये है आपका, आपकी डिटेल्स है, ये बेसिक डिटेल्स. आपको क्या पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक मास्टर स्टडी प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम्स में आपका 2 ईयर लॉन्ग है, ठीक है. तो आप ये सब चीजें चेक कर सकते हो, आप इसी के ये सब कंपेयर कीजिए, ये सब डिटेल्स हर एक यूनिवर्सिटी की, वो क्या क्या पढ़ाएगा, कितनी टर्म्स है उसकी, बोले तो कितना लॉन्ग टर्म चलेगा वो, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है. जैसे आपको आफ्टर स्टडीज स्टे कितना टाइम का देंगे यूनिवर्सिटी या यहाँ की गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हो ड्यूरेशन, ये सब डिटेल्स है. और आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक एक वेबसाइट पे, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. आपका ये लिंक आ गया यहाँ पे, आप यहाँ की डिटेल्स देख सकते हो. जैसे आपकी ट्यूशन फीस है 3800 पर ईयर, आप इसे कन्वर्ट भी करके देख सकते हो. जैसे हम नो करेंसी रेट पाउंड, ओके नॉट एन इश्यू, तो आप ये कन्वर्ट भी करके देख सकते हो, इसमें कन्वर्ट भी हो जाता है. ठीक है, आप इसमें क्लियर दिख रहा है इंग्लिश स्टडी लैंग्वेज है. और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी है आप किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करो, पहले उसकी स्टडी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करना जरूर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है लातवियन भी हो. तो जैसे ये लातविया में हूं मैं, तो आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में आप पढ़ने आ रहे हो, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस होगी, बट इट विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम. और आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस कोर्स को एडमिट करने के लिए, जैसे कि आपका IELTS या TOEFL कोई भी इंग्लिश का एग्जाम होना चाहिए, और अगर कोई नॉन नेटिव स्पीकर है तो उसका इन सब की ये सब कॉपी चाहिए. और आप पढ़ सकते हो, आप इसका लिंक भी देख सकते हो यहाँ पे apply.rtu.lv से आप डायरेक्ट जा सकते हो, और या फिर
कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। इसका ओवरव्यू स्टडी का ये है। तो आप अभी यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कितने कौन कौन से हमारे सेशंस अवेलेबल है। जैसे मेरा था ये स्प्रिंग सेमेस्टर का था, तो मेरी फेब 1 से क्लास स्टार्ट हुई थी। तो आप देख सकते हो ये अभी अवेलेबल है। तो अगर आप इस पे अप्लाई करोगे, अप्लाई पे जैसे मैंने क्लिक किया है, तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आप इस पे अपनी ईमेल से लॉगिन की सिंपली, और लॉगिन वाई और ईमेल आईडी। तो मैंने वही किया है, सिर्फ इसमें मैंने नाम लिखा है एक्सप्लोर विद सनी। तो इसमें देखिए आप, इसमें ये सब मिलेगा आपको। ये सब कुछ सिंपल फॉर्म है आपका, जो आपने कोर्स कंटेंट सेलेक्ट किया है, कोर्स सब कोर्स सेलेक्ट किया है, वो आपका यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया है। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल के जो भी डिटेल्स हैं आपका, एज अ फॉर्म की तरह आपको फिलअप करना है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। और आपको ध्यान रखिए, आप कुछ भी आप करते हैं तो आप सबमिट जरूर कीजिए, ठीक है। नहीं तो, या फिर आप सेव भी कर सकते हो, जब आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फिलअप हो जाए तो आप सबमिट जरूर कीजिए। तो उसके बाद आपको जो है इसका रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपको। इसमें आप देख सकते हो, अभी इन्होंने जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, तो इन्होंने मेरे को कुछ इनवॉइस भी दे दिए। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने मुझे 150 यूरो की इनवॉइस दी है। ये है मेरी एप्लीकेशन फीस इनवॉइस, जो मैं ये फिलअप करूंगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे इसे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? होपफुली आपको समझ आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। मैं और भी एक्साइटिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, और इन्फॉर्मेटिकल वीडियोस भी अपने भाइयों के लिए जो स्टडी अपलोड करना चाहते हैं या फिर यहाँ की लाइफ देखना चाहते हैं कैसी है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा मैं कहाँ पे रहता हूँ, किस तरह से रहता हूँ, और इन्वायरमेंट कैसा है मेरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।